नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्पण परिवार में। तो साथियों, हमारा जो सीटेट के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी, साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी, उसका पार्ट सेकेंड मैं आशुतोष आपके सामने लेकर आया हूँ। तो अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, महत्वपूर्ण, और जो आपके जो ऑनलाइन पेपर में रहने वाले संभावित प्रश्नों की श्रृंखला, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आएंगे। आप लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े रहें, कमेंट शेयर और लोगों को जोड़ने का काम करें। अगर हमारा परिवार बढ़ेगा तो उसमें आपकी भी सफलता कहीं ना कहीं जुड़ी होगी। आइए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कोहलबर्ग साहब ने अपना सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? कोहलबर्ग साहब ने दिया था। और नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले जो दिया था वो दिया था जीन पियाजे साहब ने दिया था। किसने दिया था? तो जीन पियाजे साहब ने दिया था। कब दिया था? 1932 ईस्वी में दिया था। और इसी सिद्धांत से प्रेरणा लेकर कोहलबर्ग साहब ने अपना सिद्धांत दिया था और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और नैतिक विकास का सिद्धांत जो था वो शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित था। किससे था? तो शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित था। उम्मीद करता हूँ साथियों, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब 1932 में जीन पियाजे साहब ने सिद्धांत दिया था, और वह सिद्धांत इन्होंने ये बोला था कि हमने अपने पुत्र पर अध्ययन किया, लेकिन बाद में पता चला कि यह सिद्धांत उन्होंने अपनी नौकरानी के पुत्र का किडनैप करके 3 साल तक लगातार उस पर प्रयोग किया, और बाद में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनके सिद्धांत का खंडन कर दिया गया था और इनके सिद्धांत को प्रायोगिकता नहीं दी गई। तो नैतिक विकास के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्यता किसे दी गई? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में, मतलब पूछ रहा कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति को लगता है कि सामाजिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहना ही महत्वपूर्ण है? मतलब वो कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित रहना कहाँ पर बात कह रहा है? देखो, जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी वहाँ पर तो बालक क्या था, वहाँ पर बालक बाहरी कारकों पर निर्भर था, अर्थात वो दंड एवं आज्ञाकारिता की वजह से क्या दिखाता था? नैतिकता दिखाता था। यदि गलत काम करेंगे तो उसके बदले क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। यदि सही काम करेंगे तो उसके बदले क्या मिलेगा? हमें पुनर्बलन मिलेगा। इसलिए वहाँ पर नैतिकता दिखाता था। तो पहला चरण ऐसा था कि कोहलबर्ग का, जहाँ पर नैतिकता नहीं थी। लेकिन जो दूसरा चरण आया था परम्परागत स्तर, वहाँ पर देखा था आपने कि बालक था वो सामाजिक व्यवस्थाओं पर ही सीमित था। क्यों था? क्योंकि उसके दो स्तर थे। पहला स्तर क्या था? अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक का मतलब बालक वहाँ पर समाज के लोग उसकी प्रशंसा करें, अर्थात उसको अच्छा लड़का बोलें या अच्छी लड़की बोलें, इसलिए वो नैतिकता का पालन करता था। लेकिन जो दूसरा स्तर था इसका, वहाँ पर कानून एवं आदेश का पालन शुरू करना कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। क्यों? क्योंकि कानून जो बनाए गए वो किसके द्वारा बनाए गए? हमारे समाज के द्वारा बनाए गए, हमारे संविधान के द्वारा बनाए गए। लेकिन जैसे ही तीसरा स्तर जाता था, वहाँ पर बालक अपने विवेक पर निर्भर हो जाता था, अपने विवेक के अनुसार चलता था, वो समाज के मान्य नियमों को नहीं मानता था, वह अपने तर्क के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा नियमों को मानता था, अर्थात नैतिकता वहाँ पर आंतरिक होती थी। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाओं पर जो बालक सीमित रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? तो पारंपरिक नैतिकता पर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, यह वाला आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा सही। तो इसका आंसर रहेगा पारंपरिक नैतिकता रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर के अंतर्गत व्यक्तिगत सिद्धांतों और विवेक की नैतिकता का चरण आता है? व्यक्तिगत, अभी हम लोगों ने बात की कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 चरण माने थे। वो 3 चरण में पहला चरण था पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा जो चरण था वो परंपरागत स्तर था,
तीसरा जो चरण था उत्तर परंपरागत स्तर था। कोलबर्ग साहब ने अपने सिद्धांत में 10 से 16 वर्ष के बच्चों को शामिल किया था, तीन चरण लिए थे और प्रत्येक चरण में दो स्तरों को माना था। तो तीन चरण के अंतर्गत कितने स्तर थे? 6 स्तर थे, जिसमें उत्तर परंपरागत स्तर में नैतिकता थी, चरम सीमा पर थी और आंतरिक थी। पारंपरिक स्तर में नैतिकता का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई दिया और पूर्व पारंपरिक स्तर में नैतिकता होती ही नहीं थी, अर्थात नैतिकता बाह्य कारकों पर निर्भर करती थी। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्तिगत सिद्धांत और विवेक के द्वारा बालक तर्क वितर्क और अपने विवेक के द्वारा आंसर कहाँ पर देता था? तो तीसरे स्तर में देता था, अर्थात इसका आंसर क्या रहेगा? उत्तर पारंपरिक नैतिकता रहेगा। क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा उत्तर पारंपरिक नैतिकता। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आंसर अच्छे से समझ में आया होगा कि कोलबर्ग साहब ने अपना जो प्रयोग किया था वो 10 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों पर किया था। उनमें तीन चरण माने थे। पहला चरण था पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें दो स्तर माने गए थे, दंड एवं आज्ञाकारिता। दूसरा था क्या था? वैयक्तिक विनिमय था। दूसरा स्तर था परंपरागत स्तर, इसमें भी दो स्तर माने गए थे। पहला था अच्छा लड़का या अच्छी लड़की और दूसरा आपका था कानून एवं आदेश का पालन करना। तीसरा जो आपका चरण था वो था आपका उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें भी दो स्तर माने गए। वो आपके पहला स्तर था सामाजिक अनुबंधन और आपका जो अंतिम जो स्तर था उसका नाम था सार्वभौमिक नीति या न्याय। अर्थात तीसरे स्तर में बालक की जो नैतिकता थी वो क्या होती थी? आंतरिक होती थी। और आंतरिक का मतलब अपने विवेक के द्वारा सोचेगा और विवेक के द्वारा कहाँ पर सोचेगा? तो उत्तर पारंपरिक स्तर में सोचेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में सही अर्थों में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थित का मतलब का ऐसा कौन सा स्तर है जहां पर नैतिकता नहीं होती? पिछले क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने जाना था कि कोलबर्ग साहब ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में तीन स्तर दिए थे, 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया था। स्तर माने थे, तीन माने थे। पहला स्तर ऐसा था जहाँ पर नैतिकता होती ही नहीं थी। तो कौन सा स्तर रहेगा? पहला स्तर जहाँ पर क्या नहीं होती है? जहाँ पर नैतिकता नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? स्तर नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, कोलबर्ग के नैतिक विकास नैतिक तर्क के सिद्धांत में अवस्था 5 नैतिकता निम्नलिखित में से किससे परिभाषित करती है? अब अवस्था 5 का मतलब तीन स्तर दिए थे और तीन स्तर में क्या थे? सब में दो दो दिए थे तो दो इसमें रहेंगे और दो इसमें रहेंगे, कितने हो गए? 4। पांचवा कहाँ पर होगा? अवस्था 3 पे पहुंच जाएंगे। अवस्था 3 का जो आपका पहला था वो पांचवा था और अंतिम वाला क्या था? 6। और पांचवा जो स्तर था उसका नाम क्या था? सामाजिक अनुबंधन। क्या था? सामाजिक अनुबंधन। और सामाजिक अनुबंधन किसे कहते हैं? कि एक अच्छा नैतिक कार्य वह होगा जो सबके लिए कल्याणकारी होगा। जैसे हम लोग मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हैं वो क्या कहलाएगा? आपका सामाजिक अनुबंधन कहलाएगा। पर्यावरण की रक्षा करना सामाजिक अनुबंधन कहलाएगा। माता पिता की सेवा करना सामाजिक अनुबंधन कहलाएगा। दूसरा आपका क्या कि किसी के खिलाफ यदि हम लोग मोर्चाबंदी करते हैं तो वो भी आपका क्या रहेगा? सामाजिक अनुबंधन रहेगा। तो इसमें देखते हैं क्या रहने वाला है कि नैतिक रूप से क्या सही है, वह व्यक्तिगत अधिकारों सहित समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों पर निर्धारित होता है। बिल्कुल सही बात है ये। अभी हमने बताया था कि एक अच्छा नैतिक कार्य वह होगा जो सबके लिए कल्याणकारी होगा। तो भाई क्या कह रहा है कि कौन सा नैतिक कार्य होगा? जिन मूल्यों को हमारा समाज मान्य करता है वो कैसा कार्य होता है? वो नैतिक कार्य होता है। अगला देखें, कानूनों को अब स्थिर नहीं बल्कि सापेक्ष रूप से देखा जाना चाहिए। जैसे सामाजिक अनुबंधन का मतलब क्या कि यदि आपके जैसे अभी आप देख लें कि 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया कांड में क्या वो बलात्कारी था? हम लोगों ने उसके लिए क्या किया था? मोर्चाबंदी किया था कि जैसे कि एक हमारे संविधान में ऐसा कानून बनाना चाहिए यदि ऐसे कोई व्यक्ति हमारे समाज में घिनौने काम करते हैं तो उनको एक फांसी की सजा दी जाए। तो हम सभी लोगों ने क्या खोल दिया था? समाज वो सरकार के प्रति मोर्चा खोला था कि संविधान में संशोधन किया जाए और एक हम लोगों के अनुसार एक ऐसा रूल बनाया जाए जिस उसमें ऐसी सख्त सजा दी जाए
जिसको लोग सोचकर भी ऐसे काम ना करें, तो वही क्या कहलाएगा कि कानूनों को अभिस्थिर नहीं, मतलब जो कानून है उनको मैं उस नज़रिए से नहीं देखूंगा, वो मैं अपने सापेक्ष रूप से देखूंगा। तो ये दोनों बातें यहाँ पर क्या हैं, सही बातें हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एक तथा दो दोनों सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लें, शिक्षकों के अनुसार छात्रों को अपने शिक्षकों के नैतिकता और आदर्शों का पालन करते हुए व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक का यह व्यवहार कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर पर आएगा, तो किस पर आएगा, उत्तर पारंपरिक स्तर पर आएगा। किस पे आएगा, उत्तर पारंपरिक स्तर पे आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक समूह परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां छात्र पीछे बैठकर शिक्षक की बात सुनने के बजाय पाठ्यक्रम को समझने की दिशा में एक साथ काम करते हैं, वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में आता है। अब वो क्या कह रहा है कि शिक्षक समूह परियोजना की योजना बनाता है, एक शिक्षक है वो समूह परियोजना की योजना बना रहा है, लेकिन जो छात्र हैं वो क्या कर रहे, पीछे बैठकर शिक्षक की बात सुन नहीं रहे हैं, क्या कर, लेकिन जो पाठ्यक्रम है उसको समझने की दिशा में एक साथ काम करते हैं। तो हम लोगों ने पांचवा स्तर था, उस पांचवें स्तर में हमने जाना है कि एक अच्छा नैतिक कार्य वह होगा जो सबके लिए क्या होगा, कल्याणकारी होगा। जब पूरी कक्षा किसकी तरफ ध्यान दे रही है कि पाठ्यक्रम को पहले समझ लिया जाए, जब हम उस पाठ्यक्रम को समझ लेंगे उसके बाद हम समूह चर्चा की क्या बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे। हमको यही नहीं पता कि पाठ योजना में आने वाला क्या है या समूह चर्चा में आने वाला क्या है। जब तक हमें एक पाठ के बारे में नहीं पता होगा तब तक क्या हम अपनी वो परिचर्चा में भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हमें यही नहीं पता कि परिचर्चा होने वाली है वो कहाँ से होने वाली है। तो कौन सा रहेगा, पांचवा नैतिकता का चरण रहेगा, कौन सा रहेगा, पांचवा रहेगा। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के नैतिक निर्णय के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण में पियाजे के चरणों के साथ कई विशेषताएं साझा की गई हैं। तो देखें भाई, कोहल वर्ग के चरण कितने थे, तीन चरण थे, और तीन चरण में स्तर बांटे गए थे, कितने बांटे गए थे, छः। ये पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, और क्या था आपका, पांचवा और छठा। तो देखें भाई, जो पहला स्तर था वो क्या था, दंड एवं आज्ञाकारी था। ये कोहल वर्ग साहब यहाँ पर ये कहते हैं कि बालक जो नैतिकता दिखाता है वो किसकी वजह से दिखाता है, दंड से बचने के लिए दिखाता है। कि जैसे बालक छोटा हो और आप उसके घर पर जाएं और बालक क्या कहता है कि तुम मेरे घर पर क्यों आए, तो हम लोग वहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई बड़ों से तुम कर नहीं बोलते हैं, उनसे क्या कह के बोलते हैं, आप करके बोलते हैं। यदि आप तुम बोलोगे तो अगली बार क्या होगी, पिटाई होगी। अगली बार आप जाएं और बालक फिर तुम करके बोलता है तो घर वाले क्या करते हैं, बालक के एक लगा देते हैं। लेकिन पर बालक क्या समझता है कि यदि मैं अगली बार तुम बोलूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, दंड मिलने वाला है। तो वो दंड से बचने के लिए क्या करता है, आपसे तुम ना बोलकर क्या बोलता है, आप बोलता है। तो इसीलिए पहला स्तर क्या था, दंड एवं आज्ञाकारिता। अब आप पियाजे की तरफ आप जाकर देखें कि पियाजे का जो पहला स्तर था, और पहला स्तर क्या था, संवेदी गामक अवस्था दिया था। वहाँ पर बालक किनके माध्यम से सीखता था, अपनी संवेदनाओं के माध्यम से सीखता था, और यहाँ पर बालक कैसे सीख रहा है, दंड एवं आज्ञाकारिता की वजह से सीख रहा है। अर्थात वहाँ पर भी बालक कुछ ना कुछ तर्क वितर्क कर रहा था कि भाई जब खिलौने के साथ वो खेल रहा था कि जब 4 से 8 महीने का हो गया था बालक, खिलौना यदि दिया जाता था और उससे छीन लिया जाता था तो वो रोना शुरू कर देता था, और जब उसको खिलौना दे देते थे वो खुश होना शुरू हो जाता था। तो अर्थात पहला स्तर किससे संबंध रहेगा, पियाजे की संवेदी गामक अवस्था पहला हो गया। दूसरा क्या, लेन देन की अवस्था। दूसरा क्या आपका, लेन देन की अवस्था या वैयक्तिक विनिमय। यहाँ पर कोहल वर्ग साहब ये कहते हैं कि बालक नैतिकता कैसे दिखाता है, यदि बालक से आप कोई काम करवाएं तो बालक क्या कहता है कि मैं आपका काम तो कर दूंगा लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा है।
अर्थात बालक का यहाँ पर छुप जाता है स्वार्थ। यदि आप बालक को कुछ चीज़ें लाने के लिए बोलते हैं तो बालक क्या कहता है कि पहले आप, मैं वहाँ चला तो जाऊँगा पर आप ये बताएं इसमें मुझे क्या मिलने वाला है, इसमें मुझे क्या मिलने वाला है। इसीलिए ये अवस्था आपकी क्या होगी, वैयक्तिक मन में। अब यहाँ पर देखें प्याजे साहब क्या कहेंगे। प्याजे साहब का आपने पढ़ा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक आपने पढ़ा था अहम केंद्रता पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अहम केंद्रता आपने पढ़ा था। तो अहम केंद्रता क्या था कि बालक वही चीज़ देखता था जो उसे लगता था, उसे ये लगता था कि जो मैं देख रहा हूँ वही सामने वाला व्यक्ति भी देख रहा है, जिसकी वजह से वह दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता था। जब आप उससे कहते थे कि आपने चोरी की, बालक कहता था मैंने चोरी नहीं की, आप कहते हाथ दिखाओ तो बालक एक हाथ तो सामने ले आता था और पीछे क्या करता था, रुपए पीछे दूसरे हाथ में छुपा लेता था। जब आप कहते थे अपना दूसरा हाथ दिखाओ तो पैसे हाथों में चेंज किए और अपना दूसरा हाथ दिखाता था। तो अर्थात बालक को तो ये लगता था कि जो मैं छुपा रहा हूँ ये सामने वाला व्यक्ति नहीं देख पा रहा है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि सामने वाले व्यक्ति को इसकी कमियाँ पता है। तो वो क्या था, अहम केंद्रता था। वही यहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी क्या छुपा था, स्वार्थ छुपा हुआ था, क्योंकि बालक ने चोरी की। चोरी किस लिए की, कि उसे कुछ ना कुछ लेना था या खाना था, चीज़ों को खाना था, इसलिए क्या किया था बालक ने, चोरी की। तो वहाँ पर भी क्या छुपा था, स्वार्थ छुपा था, जिसकी वजह से बालक क्या बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। और यहाँ पर भी बालक में क्या छुपा हुआ है, स्वार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि मैं आपका काम जब ही करूँगा जब आप मुझे कुछ देंगे, नहीं तो मैं आपका काम नहीं करने वाला हूँ। अर्थात अवस्था एक और दो भी मैच करेगी। अवस्था तीसरी आप देख लें, तीसरी अवस्था मतलब परंपरागत स्तर पर आ गए 10 से लेकर 13 वर्ष। कोल और प्याजे साहब में इस अवस्था में हम लोग पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुँच जाएंगे। तो इस अवस्था में जो आपकी पहली थी कोल वर्ग साहब, यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर बालक क्या करता है कि समाज में प्रशंसा पाने के लिए काम करता है। जैसे यदि वो काम करता है तो क्या बोलेंगे, ये लड़का देखो कितना अच्छा है, तो इसलिए वो काम करता है। जैसे शर्मा जी का बेटा, और एक वो स्कूल जाता है, वो अपने मित्र के घर पहुँच जाता है, वहाँ पर उसका मित्र रो रहा होता है, तो आंटी के वो पूछता है कि आंटी बच्चा क्यों रो रहा है, या अर्थात ये आज सोनू क्यों रो रहे हैं। तो आंटी क्या कहती है कि भाई आज नहाया नहीं, इसलिए आज मैं हमने नहला दिया सुबह सुबह, इसलिए रो रहे हैं। अब सोनू भी नहा के नहीं आया, लेकिन सोनू क्या कह रहा कि आंटी मैं तो डेली नहाता हूँ, नहाने से दिमाग फ्रेश रहता है। अर्थात नहाकर तो सोनू भी नहीं आया, लेकिन सोनू क्या कह रहा, मैं क्यों नहाकर आया हूँ, वो इसलिए नहाकर आया क्योंकि सामने आंटी से वो क्या चाह रहा, प्रशंसा चाह रहा है। क्या चाह रहा, प्रशंसा। तो कोल वर्ग साहब क्या कहते हैं कि तीसरी अवस्था में बालक अच्छा बनने के लिए क्या दिखाता है, नैतिकता दिखाता है। और यहीं पर यदि आप प्याजे साहब को देखेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखेंगे, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्याजे ने पेंडुलम पर प्रयोग किया था। क्या किया था, पेंडुलम पर प्रयोग किया था। और यहाँ पर बालक तार्किक रूप से चिंतन शुरू कर देता है, मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन शुरू करता है। कैसा चिंतन करता है, मूर्त और अमूर्त। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि उसे क्या चाहिए थे, समाज से प्रसन्नता चाहिए थी। किसको, सोनू को समाज से प्रसन्नता चाहिए थी, या आंटी से उसे क्या चाहिए था, प्रशंसा चाहिए थी। और प्रशंसा कहीं दिखने वाला है, नहीं दिखने वाला है, जब दिखता है नहीं तो यहाँ पर भी वो चिंतन कैसा कर रहा है, अमूर्त चिंतन कर रहा है। और यहाँ पर भी चिंतन कैसा कर रहा है, वो अमूर्त चिंतन कर रहा है। अर्थात अवस्था जो 1, 2, 3 है वो किसके साथ मैच खाएंगी, वो प्याजे के साथ मैच खाएंगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, चरण 1, चरण 2 और चरण 3 रहेगा। ने किशोरों के बीच नैतिक निर्णय का अध्ययन किया और नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तरों की पहचान की, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है, पूर्व परंपरागत है, पारंपरिक भूमिका है, स्वयं स्वीकृत नैतिकता है, अर्थात तीनों है। तो इसका आंसर क्या रहेगा सही, इसका आंसर रहेगा 3 सही रहेगा, 1, 2 और 3। तो बी नंबर इसका आंसर रहेगा, सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखें, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या कह रहा है कि सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। अगला देखते हैं कि यदि ज़रूरतें पूरी हुई तो क्रिया अच्छी थी, ये आपका नैतिकता के बारे में सही नहीं है। अगला क्या कह रहा है कि नैतिक सिद्धांत एक क्रिया की अच्छाई को परिभाषित करते हैं, ये भी आपका हो सकता है।
अगला क्या कह रहा है कि परिणाम परिभाषित करता कि क्रिया अच्छी है या बुरी है, ये भी आपका हो सकता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत, परंपरागत का मतलब स्तर कौन सा, दूसरा स्तर, और दूसरा स्तर के बारे में क्या पूछा कि कौन सा कथन सही है। दूसरा स्तर में दो स्तर दिए गए थे, पहला क्या था अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, दूसरा क्या था कानून एवं आदेश का पालन करता था। अब इसके अनुसार हमें अकॉर्डिंग क्या लगाना, आंसर लगाना है। तो पहला क्या कह रहा है कि सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जब समाज क्या कहता है कि भाई अगर हमें समाज के नियम कह रहा है कि अगर आप ये काम करेंगे तो हम आपको क्या देंगे, अच्छा बताएंगे, यदि आप गलत काम करेंगे तो हम आपको क्या बताएंगे, बुरा बताएंगे, तो बिल्कुल बात हो सकती है। अगला क्या कह रहा है कि यदि ज़रूरतें पूरी हुई तो क्रिया अच्छी थी, ये आपका कथन ही नहीं है क्योंकि भाई आप ज़रूरत के अनुसार तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई कि आप चोरी करेंगे तो समाज क्या कहता है कि आप चोरी नहीं करेंगे, ये तो कतई नहीं हो सकता है। अगला कह रहा है कि नैतिक सिद्धांत एक क्रिया की अच्छाई को परिभाषित करता है, बिल्कुल करता है कि भाई आप अगर नैतिकता दिखाएंगे तो क्या मिलेगी आपको, अच्छाई मिलेगी। लेकिन स्तर में क्या कहा गया, पहला स्तर ये कह रहा है कि लड़का अच्छा बताएगा या अच्छी बताएगा, तो आपको समाज के नियमों के अनुसार आपको या तो अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेंगे तो क्या समाज आपकी तारीफ नहीं करेगा, प्रशंसा नहीं करेगा, तो ये तो आपका इतना अच्छा नहीं है। दूसरा कौन सा है कि परिणाम परिभाषित करता कि कोई क्रिया अच्छी है या बुरी है, बिल्कुल परिणाम परिभाषित करता कि कौन सी क्रिया अच्छी या बुरी, लेकिन ये कहाँ पर था, ये पहले स्तर पर था कि यदि आप अच्छा काम करेंगे तो दंड नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते थे वो दंड और आज्ञाकारिता के आधार पर करते थे। जब हमें दंड नहीं मिलता था तो हम समझते थे हमने अच्छा काम किया, और जब हमें दंड मिल जाता था तो हम समझते थे क्या हमने अच्छा काम नहीं किया। तो पहला वाला देखें कि सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करता है, तो समाज द्वारा बनाए गए नियम क्या करता है, एक क्रिया को दर्शाता है कि अर्थात हम समाज में यदि ये वाला काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, और समाज में हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें क्या नहीं मिलेगी, प्रशंसा नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सही ए नंबर इसका आंसर सही रहेगा। अगले की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कैसे कहते हैं, जब कोई बालक किसी भी समस्या पर अटक जाता है तो उस समस्या को हल करने के लिए जो वयस्क लोग या उसके संगी साथी लोग उसको सहायता देते हैं, एक अस्थाई सहायता दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। इसका संप्रत्यय किसने दिया था, इसका संप्रत्यय बायकोस्की साहब ने दिया था। किसने दिया था, तो इसका संप्रत्यय बायकोस्की ने दिया था। आगे देखते हैं हम लोग, अगला देखें कि शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है। बायकोस्की ने इस गतिविधि को के रूप में वर्णित किया। अब आप देखें कि शिक्षक दिवस है, उसके अवसर पर रमन एक भाषण देना चाहता है, और वह अपने जो भाषण को व्यवहार को एक अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, उसके लिए वो क्या करता है कि पहले खुद ही रिहर्सल करता है, एक शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, फिर क्या करता है रिहर्सल करता है, अपने भाषण को बोलता है। तो वो कौन सा वाक कर रहा है, तो बालक निजी वाक कर रहा है। क्यों वाक कर रहा है निजी वाक, क्योंकि बालक अपने आप को दिशा देने के लिए जो खुद से बातें करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निजी वाक कहते हैं। कि जब बालक कहीं पर भी अटक जाता है और उस अटकी अर्थात उस समस्या को जब स्वयं के द्वारा बातें करते हुए उस समस्या को हल कर ले जाता है, उसे ही हम लोग ZAD या स्वनियमन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सहायता कहेंगे तो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे, और यदि उसको हम स्कैप फोल्डिंग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, निजी वाक या स्वनियमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निजी वाक। तो इसका आंसर क्या रहेगा, निजी वाक रहेगा। अगला देखें, बायकोस्की के अनुसार खेल, तो वायकोस्की ने खेल को भाषा विकास के तर्क के स्मृति में क्या माना, साधन माना। क्या माना, तो वायकोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में
भाषा को, खेल को भाषा के रूप में, स्मृति के रूप में, तर्क के रूप में क्या माना, साधन माना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एक दो तीनों रहेगा, क्या रहेगा, तीनों रहेगा इसका आंसर। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेड पीढ़ी, जेड पीढ़ी हम लोगों ने आपको, हमने आपको बताया था कि जेड पीढ़ी होता क्या। जेड एडी का मतलब होता है कि जब बालक अपनी समस्या को स्वयं के द्वारा हल कर लेता है उसे हम लोग कहते हैं जेड एडी, मतलब जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। और जेड पीढ़ी क्या होता है कि जब बालक अपनी समस्या को स्वयं के द्वारा हल नहीं कर पाता है और उसे हल करने के लिए वह अपने संगी साथी या वयस्कों से सहायता लेता है, उस क्षेत्र को हम लोग जेड पीढ़ी कहते हैं। और हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि जब एक अध्यापक किसी छात्र को 100 वर्ड सिखाता है और छात्र 100 में से सीखता कितने, 80 सीखता है, और जो 20 का जो अंतर होता है वो भी क्या कहलाता है, जेड पीढ़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, जेड पीढ़ी। या ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर आने के लिए जो सहायता देता है वो क्या कहलाता है, वो भी आपका जेड पीढ़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, जेड पीढ़ी कहलाता है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आंसर देखेंगे। पहला क्या कह रहा है कि व्यवहारिक विधियों में निरंतरता का महत्व, ये कहीं पर भी बात नहीं आ रही है। दूसरा क्या कह रहा है कि एक बच्चा अपनी दीर्घकालिक क्षमता की तुलना में वर्तमान में, तो ये तो रहेगा नहीं, पूरी बात ही नहीं यहाँ पर है। अगला देखें कि एक बच्चा अपने दम पर क्या कर सकता है, बिल्कुल सही बात है कि एक बच्चा अपने दम पर क्या कर सकता है। हम यहाँ पर पहले जेड ई डी में अपने दम पर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या अपने दम पर कितना कर सकते हैं, पूरा नहीं हो पाएगा, अपने दम पर क्या कर सकता है। और दूसरों से अधिक जानकर जानकारी की मदद से वे क्या कर सकता है, इसके बीच का अंतर। क्या कहा हमने, अध्यापक ने कितना सिखाया, 100 सिखाया, सीखा कितना, 80 सीखा, 20 का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जेड पीढ़ी कहलाएगा। मतलब छात्र में जानने का दम कितना था, 80 था, उसे दूसरों ने मदद करके कितना सिखाया, 100 सिखाया, लेकिन जो इन दोनों के बीच का जो अंतर रहा वो क्या कहलाएगा, वही जेड पीढ़ी कहलाएगा। तो यहाँ पर भी बात क्या कि 20 का अंतर और 20 के अंतर की बात क्या कहलाती है, आपके जेड पीढ़ी कहलाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सही सी नंबर इसका आंसर सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सीटेट पेपर को ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके बीच संवाद के माध्यम से सफल होती है। मतलब शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की क्या कहते थे कि बालक संवाद करता है, मतलब वाक करता है, तो किन के बीच वाक करता है, यहाँ पर बात हुई। तो पहला का शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संवाद होता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थी स्वयं संवाद करता है, बिल्कुल सही बात है। जब शिक्षार्थी स्वयं से बातें करता है उसे क्या कहते हैं, निजी वाक कहते हैं। अगला क्या, शिक्षार्थी और पाठ, तो शिक्षार्थी क्या पाठ से भी बात करता है, तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा। अगला क्वेश्चन, का मानव शिक्षा का सिद्धांत सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सीखना बताया। तो मतलब सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सीखने का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, जिसे हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। वाइगोत्स्की किस बात से संबंधित थे, तो वाइगोत्स्की संरचनावाद से संबंधित, किससे थे, संरचनावाद से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की का कहना है कि एक बच्चा भाषा के कार्यों के विकास में तीन चरणों के माध्यम से प्रगति करता है। तीन चरणों के माध्यम से प्रगति का मतलब है कि बालक तीन तरह से वाक करता है। और वाइगोत्स्की बताते हैं कि बालक तीन वाक करता है, पहला वाक है निजी वाक, दूसरा वाक है सामाजिक वाक, और तीसरा वाक है आपका कौन सा, अंतःवाक या आंतरिककरण वाक करता है। तो बालक तीन तरह के वाक करता है, सामाजिक वाक मतलब सोशल स्पीच करता है बालक,
दूसरा वाक्य क्या, अहंकारी वाक्य। और अहंकारी वाक्य को किसने बोला था, जीन पियाजे ने बोला था। इसी वाक्य को निजी वाक्य भी कहते हैं। और इस निजी वाक्य को किसने कहा था, निजी वाक्य को कहा था वाइगोत्स्की साहब ने कहा। तो ये भी आपका सही रहेगा। अगला क्या, बाहरी भाषण। और बाहरी भाषण नहीं करता है तो आंसर क्या रहेगा सही, पहला और दूसरा रहेगा सही। पहला और दूसरा किस में, सी नंबर में पहला और दूसरा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा सही, पहला और दूसरा रहेगा सही। किसने माना कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास का प्रत्येक कार्य दो बार, पहला अंतरा मनोवैज्ञानिक के रूप में और दूसरा अंतः मनोवैज्ञानिक के रूप में। तो जब हमारी क्लास हुई थी वहाँ पर हम लोगों ने बताया था जेड एडी होता है एक, और एक क्या होता है जेड पीडी होता है। क्या होता है जेड पीडी, जेड एडी का मतलब होता है स्वनियमन। क्या होता है स्वनियमन, अर्थात अंतरा वैयक्तिक क्षेत्र। क्या होता है अंतरा वैयक्तिक क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ पर बालक अपना कार्य स्वयं के द्वारा बोल बोल कर लेता है, उसे क्या कहते हैं अंतरा वैयक्तिक क्षेत्र कहते हैं। और अंतर वैयक्तिक क्षेत्र किसे कहते हैं, जेड पीडी को। जब बालक दूसरों की सहायता से अपना कार्य करता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जेड पीडी कहते हैं। और इसका संप्रत्यय किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण के बीच एक प्रमुख समानता किससे संबंधित है, कि वाइगोत्स्की और पियाजे ने क्या समानता के बारे में बात की। तो पहला देखें क्या, कि व्यक्ति और समाज द्वारा ज्ञान का सृजन कैसे किया था। बिल्कुल सही बात भाई, व्यक्ति और समाज की दोनों ने बात की है, पियाजे ने भी बात की और किसने की है, वाइगोत्स्की ने भी बात की। अगला क्या, बच्चों को पोषण परिवेश प्रदान करने की दोनों ने बात की है, पोषण की भी बात की है। लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको बात यहाँ पर यह आ रहा होगा कि समाज की बात सिर्फ किसने की, वाइगोत्स्की ने की और जीन पियाजे ने नहीं की। तो समाज की बात सिर्फ किसने की है, वाइगोत्स्की साहब ने की है, क्योंकि बालक किसके माध्यम से सीखता है, समाज के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पर कौन, पियाजे साहब सही नहीं होंगे, कौन रहेंगे, सिर्फ वाइगोत्स्की साहब यहाँ पर सही रहेंगे। बी नंबर में क्या, कि पोषण की बात, पोषण की बात दोनों करते हैं, कौन कौन करता है, पियाजे भी करते हैं और वाइगोत्स्की करते हैं, बी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की अवधारणा। तो ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की अवधारणा, ज्ञान के निर्माण में बच्चों को सक्रिय रहना होता है, पियाजे भी मानते हैं, ब्रूनर भी मानते हैं, और कौन मानते हैं, वाइगोत्स्की साहब भी मानते हैं, अर्थात तीनों मानते हैं। तो इसके बारे में क्या, बी और डी भी रहेगा। सी क्या है, भाषा और विचार के बारे में उनके विचार। तो भाषा और विचार के बारे में तीनों के विचार, दोनों के विचार कैसे थे, अलग अलग थे। समानता कहाँ पर थी, बी और डी में थी समानता। तो देखें भाई बी और डी कहाँ पर है, तो वी और डी हमारा किस में, तीसरे नंबर में है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा वी और डी रहेगा सही। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से, जो उसके स्तर से थोड़ा सा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। ले वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के क्षेत्र को इंगित किया जाता है, कि भाई कि जब बालक अपने काम को स्वयं के द्वारा हल कर लेता है तो उसे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब जेडीडी अर्थात क्या कहते हैं, वास्तविक विकास का क्षेत्र कहते हैं। किसे कहते हैं, वास्तविक विकास का क्षेत्र, ये आपका कहलाएगा जेडीडी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, हमने काम कैसा दिया, मुश्किल काम दिया। क्या दिया, मुश्किल काम, अर्थात बालक वहाँ पर नहीं कर पाता है वो क्या, वो दूसरे की सहायता से जुड़ेगा, वो आपका क्षेत्र क्या कहलाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात जेड पीडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेड पीडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेड पीडी। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, जेड पीडी रहेगा। अगला देखते हैं, अगला है कि विद्यालय को समाजीकरण का केंद्र माना जाता है क्योंकि वे बच्चों में मदद करते हैं। मतलब जो विद्यालय है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों में कैसी मदद करता है, तो विद्यालय समाजीकरण की प्रक्रिया में उनके मूल्यों और परंपराओं को प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। तो विद्यालय क्या करता है,
बच्चों की समाजीकरण प्रक्रिया में मूल्य और परंपरा के बीच मूल्य और परंपराओं को प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा सही, इसका आंसर वी नंबर सही रहेगा। आगे सी नंबर 22 नंबर देखें, सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण का साधन है। भाई पुस्तकालय मतलब सार्वजनिक है, और पुस्तकालय में आप जाएंगे तो क्या जाएंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए जाएंगे। और समाजीकरण की प्रक्रिया उस प्रक्रिया को कहते हैं जहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। और पुस्तकालय में आप सिर्फ क्या किताबों को पढ़ने के लिए जाएंगे, तो किसी के बीच क्या अंतःक्रिया होगी, अंतःक्रिया तो नहीं होगी। तो यहाँ पर जो पुस्तकालय है वो समाजीकरण का कैसा कारक है, तो पुस्तकालय समाजीकरण का निष्क्रिय कारक है, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया नहीं होती है। आप सिर्फ पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और समाजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जहाँ पर दो व्यक्तियों के मध्य क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा सही, निष्क्रिय आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो भाई संस्कृति हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, अपने समाज से प्राप्त करते हैं, अपने परिवार से प्राप्त करते हैं। तो संस्कृति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने समाज के साथ हमें अंतःक्रिया करनी पड़ती है, अर्थात ये क्या कहलाएगा, ये समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समाजीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाभ है। मित्रता के बारे में बताया गया कि समाजीकरण की प्रक्रिया में मित्रता से बच्चों के लिए क्या लाभ होता है। तो पहला क्या कि बच्चे मित्रों के साथ स्कूल में जाते समय क्या लेते हैं, ज़्यादा आनंद लेते हैं। बस सही बात है कि बच्चों के साथ यदि बच्चों के उसके मित्र के साथ बिठाया जाए तो वो स्कूल में क्या लेता है, बहुत ज़्यादा आनंद लेता है। यदि एक अननोन पर्सन के साथ बिठा दिया जाए जिसने कभी जिसको कभी उस बालक ने देखा ही नहीं, तो वो दोनों क्या रहते, एक अनजान व्यक्ति हों। अब बच्चे ही क्या, यदि हम लोग भी किसी अनजान के साथ बैठे होते हैं तो हम लोग एक असहज महसूस करते हैं। तो जब बालक अपने मित्र के साथ स्कूल में बैठा होता है तो वहाँ पर क्या लेता है, आनंद लेता है। अगला क्या, मित्रता मदद और आत्मसत्यापन का एक स्रोत है। सही बात है, एक मित्र क्या होता है, वो दूसरे की मदद के लिए क्या रहता है, हमेशा तत्पर तैयार रहता है। अर्थात यहाँ पर क्या रहेगा सही, दोनों सही रहेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी नंबर सही रहेगा, एक तथा दो दोनों सही। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, और 25 क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाजीकरण को जीवन भर चलाने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही बात है, समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों मूल्यों और प्रतीकों को सीखता है। तो समाजीकरण प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे समाज में रहने वाले व्यक्ति अपने समाज की व्यवस्था के नियमों और सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। तो एक कथन बिल्कुल सही कथन है, और तर्क क्या कह रहा है कि समाज में भागीदारी चाहे औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से हो, सामाजिक मानदंडों को प्राप्त करने में मदद करती है। तो भाई सही बात है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें औपचारिक पक्ष भी शामिल होते हैं और अनौपचारिक पक्ष भी शामिल होते हैं। तो उसके द्वारा जो व्यक्ति समाज से उसके अपने नियमों और सिद्धांतों को सीखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। कथन दोनों सही हैं, लेकिन जो आर वाला कथन है वो एका क्या है, वो एक ही सही व्याख्या करता है। अर्थात क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चे का समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सबसे अच्छा प्रभावित होता है। तो पहला क्या कह रहा है कि सामाजिक रूप से परिपक्व वयस्कों के उधार के लिए छोटे बच्चों को उजागर करना कि भाई आप अब बच्चे के सामने आप ज़्यादा उधार प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा उसमें क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, तो ये तो आपका रहेगा नहीं। अगला क्या कह रहा है कि व्यवहार के सामाजिक रूप से स्वीकार रूपों में छोटे बच्चों को प्रेरित करना। भाई कैसे प्रेरित, भाई आपने देखा होगा कि जब छोटी क्लासें होती हैं वहाँ पर हम लोग बच्चों को क्या कहते हैं, प्रतियोगिताएँ करवाते हैं, या कक्षा में जो भी प्रथम स्थान आता है वहाँ पर क्या देते हैं, हम लोग
पुरस्कार देते हैं। तो पुरस्कार किस लिए हम लोग दे रहे हैं? उसके व्यवहार को पुरस्कार दे रहे हैं। पुनर्बलन हम किसको देना चाह रहे हैं? उसके व्यवहार को पुनर्बलन देना चाह रहे हैं। इसीलिए स्किनर साहब मानते भी हैं कि पुनर्बलन और दंड कोई पुनर्बलक नहीं होता है। बालक पुनर्बलन किसे देता है? अपने व्यवहार को पुनर्बलन देता है। यदि उसने अच्छा काम किया तो उसके बदले में यदि उसकी प्रशंसा हुई तो वो उस व्यवहार को जारी रखता है। यदि उसने काम गलत किया और उसे दंड मिला तो वो क्या समझता है कि मुझे इस व्यवहार की वजह से मुझे क्या मिला? दंड मिला। इसलिए वो अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा रहेगा? यही रहेगा कि व्यवहार के सामाजिक रूप से स्वीकार रूपों में छोटे बच्चों को प्रेरित करना। तो बालक क्या करते हैं? सामाजिकरण की प्रक्रिया में अपने व्यवहार को ही क्या देते हैं? पुनर्बलन देते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? सही, बी नंबर इसका आंसर सही रहेगा। 27, अब 27 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सही विकल्प मिलान करना है। द्वितीयक सामाजिकरण प्रक्रिया परिवार, जबकि परिवार कैसा है? प्राथमिक है। प्राथमिक सामाजिकरण प्रक्रिया विद्यालय, जबकि प्राथमिक कौन होता है? परिवार होता है। तो ये दोनों तो गलत हो गए। पहला क्या बचा? प्रत्याशित सामाजिकरण। प्रत्याशित सामाजिकरण का मतलब होता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है और सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि उस समूह में रहने वाले लोग वो क्या कहलाएंगे? सामाजिकरण कहलाएगी। कि जो भी लोग उस समाज में रहते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रत्याशित सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। तो क्या रहेगा आपका? ए नंबर बिल्कुल सही रहेगा और इसका आंसर क्या रहेगा? केवल ए रहेगा सही। आगे देखते हैं। 27 सामाजिक वातावरण को अपनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें करना होता है। तो भाई सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लोग हमारे सामने कर रहे होते हैं वही हम लोग देखते हैं और नई परिस्थिति में हम लोग वैसा ही ज्ञान जोड़ देते हैं। वो क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। कि जैसे जैसा हमारे पूर्वज लोग करते हैं और वो पूर्वजों से हम लोग देखते हैं, जब हमारे सामने नई परिस्थिति आती है तो हम लोग भी क्या करते हैं? भाई पहले वाला ज्ञान नए वाले ज्ञान में जोड़ देते हैं। वो क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आत्मसातीकरण या समावेशन कहलाएगी। कि जब पूर्व ज्ञान नए वाले ज्ञान के साथ जोड़ दिया जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मसातकरण या समावेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातकरण या समावेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। और 29 क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी क्यों उपयोगी है। कि शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी किस लिए उपयोगी है इसके बारे में हमें जानना है। तो पहला क्या कह रहा है? कि वित्तीय मानव और भौतिक संसाधनों के संचालन को कम करने के लिए। मतलब कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, अगर आप ये भागीदारी सामुदायिक भागीदारी को नहीं अपनाएंगे तो जो गरीब या मध्यम वर्ग के जो परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे प्रोवाइड करवा पाएंगे? शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अर्थात एक निचला वर्ग का जो व्यक्ति है उनके बच्चे कभी शिक्षित ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये तो आपका सही रहेगा। अगला क्या कह रहा है? कि सामुदायिक भागीदारी शिक्षकों को सतर्क और उत्तरदायी बनाए रखेगी। बिल्कुल सही बात है कि जब सबकी एक जैसी भागीदारी होगी तो वहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति क्या रहेगा? सक्रिय और सतर्क रहेगा। अगला क्या है? यह पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर तीनों सही रहेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सही, सी नंबर 1, 2 और 3। और इस श्रृंखला का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यदि बालक का समाजीकरण ना हो। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि किसी भी बालक का क्या ना हो? सामाजिकरण ना हो, तो वह बालक किस प्रकार का बालक बनेगा? क्या वो बालक पशुपत बनेगा? भाई ऐसी बात नहीं है कि भाई यदि बालक सामाजिकरण समाज में नहीं रहता है, वो जंगल में रहता है, तो क्या वो बालक पशु के समान है? तो वो बालक पशु के समान नहीं होता है। गैर सामाजिक है, ऐसी भी बात नहीं कि उसके अंदर सामाजिकता कतई नहीं है। कुछ तो सामाजिकता है क्योंकि पृथ्वी पर है, तो भाई किसी भी व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो सामाजिकता है। लेकिन कैसी सामाजिकता है? उसके अंदर वो असामाजिक है। सामाजिक मतलब जो समाज के नियम है उन समाज के नियमों से वो कैसा है? परे है। क्योंकि वो समाज के नियम के बारे में जानता ही नहीं है। लेकिन जब वो समाज में आ जाएगा तो समाज के नियमों को जान जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कि बालक कैसा है? असामाजिक है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो 30 क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको लगे होंगे। आने वाले आप लगातार हमारे परिवार से आप जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार आपको श्रृंखला आपको मिलती रहेगी, क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको मिलेगी। और साथ ही साथ हम लोग आपको यह बताना चाहेंगे कि डेली आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे कि 30
जो महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न होते हैं आपको श्रृंखला लगभग हमारे 30 प्रैक्टिस सेट आपको चलेंगे आपके सामने, तो लगभग 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह श्रृंखला आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों।